हेलो फ्रेंड, मैं हूं मुश्ताक। आप देख रहे हैं मुश्ताक एमडी चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फोन पे की ऑनबोर्डिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने भी फोन पे की एजेंट आईडी ले लिए हैं या लेने की सोच रहे हैं, तो आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच करें और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप फोन पे पर वर्क करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे से फोन पे की आईडी ली है या लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर से जरूर पूरा वॉच करें और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फोन पे में वर्क करना रहता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरा लाइव करके बताएंगे कि कैसे फोन पे ऑनबोर्डिंग करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे कहाँ पे क्या करना रहता है। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे फोन पे ऑनबोर्डिंग करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, ऑनबोर्डिंग करने के लिए आप लोगों को फोन पे का ACEF एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको जो है शॉप नेम देना है, यानी कि कस्टमर का जो शॉप होता है उसका नेम देना है। और नेम देने के बाद आपको ओनर नेम सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैं शॉप का नेम दे देता हूँ, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या कैसे करना है। तो दोस्तों, मैंने शॉप का नाम फिलअप कर दिया है। उसके बाद ओनर का नाम, यानी कि जिस भी मर्चेंट का हमें मर्चेंट अकाउंट बनाना है, उसी मर्चेंट का जो है नाम इधर एंटर करना है। तो आपको आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो आधार कार्ड या पैन कार्ड देख के नाम दे देना है। तो पैन कार्ड देख के मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद मर्चेंट जिस नंबर पे फ़ोन पे है, यानी जिस नंबर पे आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना है, उसी नंबर देना है। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, शॉप के रिलेटेड कैटेगरी। तो दोस्तों, मैं अपने शॉप के रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, अगर आपने बीच में गैप कर दिया तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, उसके बाद ऐड एड्रेस के बता रहा है, तो मुझे एड्रेस पूरा अच्छी तरीके से फिलअप कर देना है, शॉप का एड्रेस। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने पर जो मर्चेंट होता है उसके नंबर पे एक OTP जाता है 5 अंक का, तो उसे हमें लेना है। उसे लेने के बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पर हम आगे बढ़ेंगे, यानी सबमिट करने पर। तो दोस्तों, कस्टमर के मर्चेंट के अकाउंट पे OTP आ गया है, हम OTP लेकर सबमिट करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है शॉप इमेज के, तो शॉप इमेज पर हमें इंटरनल पर 2 इमेज लगाना है। शॉप के किसी भी एरिया का 2 इमेज लेकर हमें लगाना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर शॉप इमेज ले लेता हूँ, अपने शॉप का ही होना है, दूसरे अदरवाइज आप अगर लेते हैं तो आपका जो है ऑनबोर्डिंग हो जाता है। फिर आपको कभी कभी TL के द्वारा बताया जाता है कि आपने इमेज गलत कर दिया, आपको दोबारा से विजिट करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप कहाँ पे ऑनबोर्डिंग करते हो आपको पता भी नहीं चलता है, तो सही से आपको फ़ोटो क्लिक कर लेना है। तो मैं अपना इंटरनल पे 2 इमेज लगा देता हूँ। इंटरनल पे 2 इमेज लगाने के बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सटर्नल पे 2 इमेज लगाना है। एक्सटर्नल पे भी वो शॉप का किसी भी एंगल से 2 फ़ोटो ले लेना है हमें। तो दोस्तों, ऐसे एंगल से लेना है जैसे हमें पता चले कि ये शॉप है, अदरवाइज़ आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो 2 फ़ोटो ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है आगे का प्रोसेस हम जानते हैं। तो दोस्तों, 2 फ़ोटो ले लिए हैं मैंने। उसके बाद मुझे फिर से टैग के फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बिजनेस प्रूफ पे देना है। बिजनेस प्रूफ पे आपको क्लिक करना है। बिजनेस प्रूफ पे हमें एक ही फ़ोटो देना है, जो शॉप के बाहर से पूरा शॉप को कैप्चर करे वैसे फ़ोटो लेना है। दोस्तों, मैंने
बिजनेस ग्रुप में फ़ोटो अटैच कर दिया। उसके बाद मुझे प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है। प्रोसीड का ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मुझे क्यूआर कोड शो करवा रहा है। तो मैं क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद मुझे बैंकिंग प्रोसेस पे लेकर आ गया है। चॉइस करने को बता रहा है कौन सा बैंक है, तो मैं अपना बैंक चॉइस कर लेता हूँ। मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो मैं अपना एयरटेल पेमेंट बैंक चॉइस कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे प्रोसीड टू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमर का बैंक डिटेल्स फिलअप करना है। अच्छी तरीके से फिलअप करना है, क्योंकि अगर रॉन्ग होता है तो ये सबमिट नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने अपना कस्टमर का जो है अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में डाल देता हूँ। आपको भी सही तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद आपको क्या है, अकाउंट कौन सी कैटेगरी का है उसे सिलेक्ट करना है। मेरा तो सेविंग अकाउंट है, तो मैं सेविंग पर क्लिक करता हूँ। सेविंग पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं पैन कार्ड नंबर दे देता हूँ, यानी मैं फुल केवाईसी कर रहा हूँ, तो मैं अपना पैन कार्ड नंबर दे देता हूँ। अगला बार मैं आपको दूसरी एक वीडियो में बताऊँगा, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं हो तो आप कैसे केवाईसी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कमेंट किया तो मैं आपको ज़रूर से दूसरा वीडियो आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं पैन कार्ड नंबर देके सबमिट करने पर मुझे क्यूआर कोड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो मैं क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूं। उसके बाद अनदर क्यूआर कोड पे स्कैन करने पर मैं जितना दुकानदार को क्यूआर कोड दूंगा उतना मैं स्कैन कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे दुकानदार को 3 QR कोड दूंगा, तो मुझे अनदर QR कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करके मैं QR कोड ऐड कर लूँगा। तो मैंने 1 QR कोड ऐड किया है, बाकी मैं 2 QR कोड को ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, मैंने 3 QR कोड को जो है स्कैन कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने पर मुझे QR कोड का फ़ोटो लेने को बताया जा रहा है, तो मैं एक QR कोड का फ़ोटो ले लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे करना है। एक भी स्टेप अगर मिस कर देते हैं तो आपको मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में कुछ दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन के लिए बताया जा रहा है, तो मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे फीडबैक के लिए बताया जा रहा है कि मैं यहाँ पे क्या क्या होना है, तो मैंने 100 रुपये डन कर दिया। आप भी डन कर देना। उसके बाद 3 सेकेंड का थैंक यू का SMS आएगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपने ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली कर दिया है। तो आप देख लीजिए, मेरा वहाँ पे एक ऑनबोर्डिंग शो कर रहा है, मैंने ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ परेशानी हो तो दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। मैंने इतना मेहनत किया, एक प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो करना चाहिए।